ईश्वर जगत को एत प्रेम कले जे से निजर एकमात्र पुत्र को दान कले जेपरी जे कहीं ताहांगटार विश्वास करे से अनंत जीवन लाभ करिब। जय जीशु। मोर प्रिय भाई भौणी माने समस्त केमती अछंदी भल्लरे रहंतु। आपण माने प्रथम तर पाए आमर ए यूट्यूब चैनल नवजीवन बाणी देखुछंती कि हेले बेल आइकन प्रेस करंतु कंडाइट जत्ते जन अछंदी से मानक संग शेयर करंतु और निश्चित पूर्वे सब्सक्राइब करंतु। जीशु को जानिबा पाए जीशु हमर त्राणकर्ता रूपे ग्रहण करिबा पाए ही सदा प्रभु आप मान को ए यूट्यूब चैनल नवजीवन बाणी दैछंती। आसंत आम मैंने शुणा मातृवृष समाचार अध्याय 25 पद संख्या 1 रु 10 कन्यार दृष्टांत। तबे स्वर्ग राज्य 10 जन कुमारी सहित तोलनीय 10 जन कुमारी बर को भेटे निम्ते निज निज दीप धरी बाहर थे। से मध्य 5 जन बुद्धिहीन आ 5 जन बुद्धिमती थे। 5 जन बुद्धिहीन कुमारी माने दीप संगे तेल नहीं नथिले किंतु बुद्धिमती माने दीप संगे पात्र रे तेल नहीं जाइथिले। बर आसिबे विलंब खबारु से माने समस्ते ढुलाइबा को लागिले आउ सोई पड़िले। मध्य रात्रि कोलाहल सुनागला देखो बर आसीगलाणी ताको पाछटी नेबा को बाहरी आसो। तुम से कुमारी माने उठे निज निज दीप गुड़ी को सजाड़ीबा को लागिले। बुद्धिहीन माने बुद्धिमती मानक कहिले आमको तुम तेल रु किछि दियो कारण आम दीप लिभि जाउछि। बुद्धिमती माने कहिले आम आउ तुम उभयंग पाए तेल जदेष्ट होइ न पारे तेणु तुम्हें दुकान को जाए निच पाए तेल किणि आणो। से माने तेल किणबा के जाइछन्ति। एही समय रे बर आसी पहुँचि गले जे माने प्रस्तुत थिले से माने बरंग सहित विवाह भोजी को गले एवं द्वार बंध करा गला। तत्परे बुद्धिहीन कुमारी माने आसी डाकिले प्रभु हे प्रभु आम पाए द्वार खुली दियंतु। किंतु से उत्तर देले मु सत्य कहुअछि मु तुम्भ मानकु जाने नाही सुतरां सज्जाग रह कारण तुम्भ माने सही दिन किंबा सही मुहूर्त जानो नाही। जय जीशु जय जीशु। मोर प्रिय भाई और भौणी माने जीशु तांग प्रकाश जीवन शेष आड़कु एही दस कन्यार दृष्टांत कहिला बेले से आम्भ मानकु शिक्षा देबाकु चाहन्ती और निश्चित समय रे माने केबे केतेबेले प्रभु आसीबे आमको आम जीवन रो हिसाब नेबा पाए स्वर्ग को नेबा पाए और निश्चित समय रे सजागता दरकार। आमे से समय अपेक्षा रे आमे रहिबा दरकार। आउ तबे स्वर्गराज 10 जन कुमारी सहित तुलनीय सुसमाचार आम शुणिलु से मार्ग भितर 5 जन प्रस्तुत थिले से माने भोजनालय को भोजी पाए भीतर पसिले। जे माने से प्रस्तुत नथिले से मानकु सही भोजी रे जग दे पारले नाही। एगुडी के बोलर बुझिया पाए मैं मने रखिबा दरकार इगुदी परंपरा रतिबा विवाह सेटा बहुत केतक दिन गुडी का आकाशंति थिबो। आओ सही जो दिन आगे सब ठीक कर दिन बर आसबे कन्या घर को कन्या को नेपाई निश्चय से समय रे आजिकल आम समय रे टेलीफोन मोबाइल आउ मेसेज व्हाट्सएप ना एम किसी सुविधा व्यवस्था नाला तो उणा अधिक अमुक दिन सका ना सन्धार आसबे एतिक आका आश्चय जो बार से बर आसबे बर को स्वागत करने झीर कन्या तरफ आवरी कत पा झी पान अच्छा और साधारण से माने घर बाहर जेकोसी मुहूर्त बर आउतांग सांग माने किए आसी से स्वागत करने अपेक्षार रखिए। आओ से माने जमी सब समाचार आम शुणिलु से माने आसवा को डेरी हेले। आओ से कौन है निश्चय
जे मैंने प्रस्तुत थे से मैंने भीतर को पशिले आजे से प्रस्तुत नए कौन हैला आम जानु माने जे माने से बुद्धिहीन माने किए जाने के केत आसव ठीक जनाना तेणुक लेट हेले स्वागत करने से माने प्रस्तुत की रहीबार यहाँ स्पष्ट भाव मन को देखा पाइब माति समाचार दि चबीश पद संज्ञा अड़चाश विश्वस्त और अविश्वस्त दास दृष्टांत किंतु जदि से ही दुष्ट दास निजक कहे मोर मुनीब विलंबित आसबे अन्य सहदास समान को प्रहान करी मुथिब मान संगे भोजन पान करे तबे तार मुनीब से दिन आसी पहुँचे जत बेले से ही दास ताको अपेक्षा करी आउ से मुहूर्त जहाँ से जानी नथिब ये समान विषय माति समाचार अध्याय पचिश पद संख्या उन्नीस आम मानक देखा पाइबु बहुदिन पर वृत्तिमान मुनीब फेरी आसी से हिसाब मागिले तालंदर दृष्टांत केतबेले से आसीबे जना नाही से समान आका जाग्रत रहिबार आवश्यक विषय पुणी थे माति समाचार अध्याय चौबीस पद संख्या चौरालीस एमती पढ़ुचु तेणु तुम्भ माने प्रस्तुत रह कारण मनुष्य पुत्र अप्रत्याशित समय रे आसीबे मोर भाई भौणी माने सदा प्रभु आची आंभ मान को कहंदी प्रस्तुत है कि रह सुसमाचार का मैं फिर आसवा माति सुसमाचार अध्याय पचीश पद संख्या दुई रु से मध्य पांच जन बुद्धिहीन आउ पांच जन बुद्धिमती थे पांच जन बुद्धिहीन कुमारी माने दीप संगे तेल नहीं नथिले किंतु बुद्धिमती माने दीप संगे पात्र रे तेल नहीं जाइए बर आस विलंब हेबारु से माने समस्ते ढुलैबा को लागिले आउ शोई पड़िले उभय ग्रुप शोई पड़िले आउ किंतु केत जन केते लेट हेले मध्य अंधकार रे केते समय अपेक्षा रहिबा को मध्य प्रस्तुत हेकिया से माने गले तापर कौन है मध्यरात्र कलाकल शुणाकल देख बर आसीगले बाछुटी नवाक बाहरी आस तो से कुमारी माने उठी निज निज दीप गुड़िक सजाड़ा लगिले इतनी पर्यंत पांच जन बुद्धिमती माने पांच बुद्धिहीन माने समान उभय हाथ में दीप थीपर बुद्धिहीन माने बुद्धिमती मान को कहले आम को तुम्हें तेल रु कि दि कारण आम दीप लिभि जाऊ देखो से पर्यटन सब ठीक थी माने आमे कौन शिखब निश्चय यही दस जन को बर को स्वागत करने तांग संगे भोजी करने निमंत्रण दिखाई से माने समस्त को से भोजनालय गोटे सीट आसन मिले कि ग्यारंटी नाही जे माने प्रस्तुत थे प्रभु बरंग संगे से मानकु भीतर को पोषि पारे तत्पर तो बुद्धिहीन कुमारी माने आसी कहले प्रभु हे प्रभु आम पाई द्वार खुली दियंतु किंतु से उत्तर देले मु सत्य कहुची मु तुम्भ मानकु जाने नाही जीवा माति समाचार अध्याय सात पद संज्ञा एक जे माने मते प्रभु प्रभु बोली डाकंदी से समस्त जे स्वर्गराज प्रवेश करिबे ता नुहे खाली हाथ में दीप थे हम ना से आउ तेल दरकार खाली गोटे क्रिश्चियन ना मिले हम ना पारिश रजिस्टर मोर ना होती से हम ना सेमतीकार गोटे विश्वास मक दरकार मात्र जे मोर स्वर्गस्थ पिता इच्छा साधना करे से ही स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करिबो से दिन अनेक मत कहे प्रभु प्रभु आमे कि तुम नाम रे भगवानी
କହି ନାହୁଁ, ତୁମ ନାମରେ କ'ଣ ଭୂତ ଚଢ଼ି ନାହୁଁ, ଆଉ ତୁମ ନାମରେ କ'ଣ ଅନେକ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ କରିନାହୁଁ। ସତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଦୌ ଜାଣେ ନାହିଁ, ରେ ଦୁରାଚାରୀଗଣ ମୋଠାରୁ ଦୂର ହୁଅ। ଜୟ ଯୀଶୁ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ସୁତରାମ ସଜାଗ ରହ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେହି ଦିନ କିମ୍ବା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଜାଣେ ନାହିଁ। ମାନେ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ସଦାପ୍ରଭୁମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମର ଯୋଜନା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବା ପାଇଁ। ହେଲେ କେମିତି ଆମେ ତା ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମେ ରହିବୁ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଅନେଇକି ସଦା ସର୍ବଦା ରହିବା, ସେ ବିଷୟରେ ରଖି ନା କେମିତି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଆମେ ରହିବୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ କେବେ ଆସିବେ, କେତେବେଳେ ଆସିବେ, ସଦା ସର୍ବଦା ଉପରକୁ ନେଇକି ଆମେ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କେମିତି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବୁ। ପ୍ରଥମ ମାତୃଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 18 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 19 ଆଉ 20, ଅତ ଏବଂ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାଅ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କର, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଦୀକ୍ଷା ସ୍ନାନ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଦୀକ୍ଷା ସ୍ନାନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଦେଶ ଦେଇଛି ସେ ସମସ୍ତ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ, ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବଂ ମନେ ରଖ, ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦା ସର୍ବଦା ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛି। ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିଚୟ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଦରକାର, ଯୀଶୁଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରେମର ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଅଂଶ ଦେବା ଦରକାର, ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଦରକାର ପ୍ରଥମ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ପ୍ରତିବେଶୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମଦୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବା ଦରକାର, ବାକ୍ୟ ଦେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବା ଦରକାର। ଯିବା ମାତୃଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 25 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 31। ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମହିମାରେ ଦେବଦୂତମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଗମନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଗୌରମୟ ସିଂହାସନରେ ଉପବେଶନ କରିବେ, ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସମବେଦ ହେବେ, ଏବଂ ମେଷ ବାଳକ ଚାହା ଗୁଡ଼ିକୁ ମେଷମାନଙ୍କ ଠାରେ ପୃଥକ କରିବା ଭଳି ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ କରିବେ, ଏବଂ ମେଷମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଉ ଚାହା ଗୁଡ଼ିକୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖିବେ। ସେତେବେଳେ ରାଜା ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ମୋ ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ରଗଣ ଆସ। ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ସମୟରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତାହା ଅଧିକାର କର, କାରଣ ଭଲରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କ୍ଷୁଥିତ ଥିଲି ଆଉ ତୁମେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲ, ମୁଁ ତ୍ରିଷିତ ଥିଲି ତୁମେ ମୋତେ ପିଇବାକୁ ଦେଲ, ମୁଁ ପ୍ରବାସୀ ଥିଲି ତୁମେ ମୋର ଆତିଥ୍ୟ କଲ, ମୁଁ ଉଲଗ୍ନ ଥିଲି ଆଉ ତୁମେ ମୋତେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଲ, ମୁଁ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲି ତୁମେ ମୋର ଯତ୍ନ ନେଲ, ମୁଁ ବନ୍ଦିଶାଳରେ ଥିଲି ଆଉ ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲ। ହେଲେ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପାଇ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବୁ, ଭୋକରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦରକାର। ସେମିତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସେ ଲିଷ୍ଟ ଯାକ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଧାର୍ମିକମାନେ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆମେ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷୁଥିତ ଥିବା ଦେଖି ଖାଇବାକୁ ଦେଲୁ, ଏବଂ ତୃଷ୍ଣ ଥିବା ଦେଖି ପିଇବାକୁ ଦେଲୁ, କେବେ ପ୍ରବାସୀ ଥିବା ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ କଲୁ, ଉଲ୍ଲେଖ୍ନ ଥିବା ଦେଖି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଲୁ, ପୀଡ଼ିତ ହେବା ବନ୍ଦିଶାଳରେ ଥିବା ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲୁ। ଏଥିରେ ରାଜା ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିବେ, ଭଲରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହେ, ତୁମେ ମୋର ଏହି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠୁ ନଗଣ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା କରିଛ ତାହା ମୋ ପ୍ରତି ହିଁ କରିଛ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରହନ୍ତୁ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର, ପିତା ଆଉ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ।